आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रोमियो जूलियट टाइप मूवी गोल्ड टैंगो, जो रिलीज हुई थी 2017 में। फिल्म 1941 में जर्मन कब्जे लिथियाना में शुरू होती है। हम एक लड़की को देखते हैं जो एक क्लब में गाना गा रही है। इस लड़की का नाम है लाइमा। यहीं पर हम मैक्स को भी देखते हैं। फिर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है जोनास, और वो मैक्स को कूट रहा था। असल में मैक्स और जोनास यूएसएसआर के लिए काम करते हैं, और जब 1941 में लिथुआनिया में जर्मन यानी कि हिटलर सेना का कब्जा था, मैक्स लियामा को तब से जानता है। बोले तो लियामा उसके बचपन का प्यार है। अब जोनास मैक्स से नाराज है कि उसने लियामा को अपने घर में छिपा रखा था। लियामा जो कि एक लिथुआनिया है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। साल है 1941। मैक्स समुंदर किनारे बैठा एक्वेरियम बजा रहा है। वहीं पर वो पहली बार लियामा को देखता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जर्मन्स ने लिथुआनिया पर कब्जा कर लिया है। अब वो वहाँ रह रहे हर ज्यूइश बोले तो यहूदियों को वहाँ से निकाल रहे हैं। मैक्स जो कि एक ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करता है और अपनी माँ और बहन के साथ रहता है, उसकी माँ काफी घबराई हुई है क्योंकि उन्हें लिथुआनिया से निकाल कर डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा था। मैक्स की माँ उससे कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो अपनी बहन का ध्यान रखेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उस शहर के सभी ज्यूइश लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। जर्मन सेना उन लोगों के बच्चों को जबरदस्ती ट्रक में डाल रहे हैं। वो उन बच्चों को हॉस्पिटल ले जाकर उनका सारा खून निकाल कर मारने के लिए छोड़ देंगे। सारी माएं काफी दुखी हैं और अपने बच्चों को ना ले जाने की भीख मांगती हैं। मैक्स की माँ जर्मन्स के लिए काम कर रहे एक आदमी जिसका नाम एंटोस है, उससे उसके दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए सौदा करती है। वो अपने गले में पड़ी ज्वेलरी देकर कहती है कि वो उसके बच्चों को छोड़ दे। एंटोस उसे मैक्स और ली में से किसी एक को चूज करने को कहता है, जिस पर वो कहती है कि या तो उसे दोनों बच्चे दे या फिर एक भी नहीं। एंटोस उसकी बात मानने से मना कर देता है और उन बच्चों को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। मौका पाकर मैक्स उस ट्रक से कूदकर भाग जाता है और सीधा अपने घर आता है। वो देखता है कि उस घर में अब कोई और लोग रहने लगे हैं। विंसेंस अपनी पत्नी और बेटी लैमा के साथ वहाँ रहने लगा था। जर्मन्स ने उन्हें ये घर रहने के लिए दिया था। मैक्स विंसेंस को देख छिप जाता है, लेकिन विंसेंस उसे पकड़ लेता है। मैक्स बताता है कि ये उसका घर है। मैक्स कहता है कि उसके पास रहने को कोई जगह नहीं है, उसे यहाँ रहने दे। विंसेंट उसे वहाँ रहने की इजाजत दे देता है। रात में लियामा मैक्स के पास आती है और उसकी टांग खींचने लगती है। तभी उसे किसी की आवाज आती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग विंसेंट के घर ब्रॉन्ज और सिल्वर का सामान लेकर आए हैं, और वो लोग कहते हैं कि कल वो उसे इससे भी ज्यादा सामान ला कर देंगे। असल में ये लोग उन मारे गए ज्यूइश लोगों के कपड़े और सामान लूट कर अपने पास रख लेते थे। लियामा को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और वो मैक्स से पूछती है कि जब उसके पापा उसे घर से निकाल देंगे वो कहाँ जाएगा। मैक्स कहता है कि उसे नहीं पता, शायद वो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढेगा। लियामा मैक्स को बताती है कि उसके पापा ने बताया है कि उसकी माँ के साथ साथ सभी ज्यूइश लोगों को शहर के बाहर ले जाकर शूट कर दिया गया है। ये सुनकर मैक्स रोने लगता है। लिथुआनिया के लोगों को लगता है कि ज्यूइश लोग उनके देश में रहकर उन्हें लूटते हैं। उधर मैक्स सपने में देखता है कि बाकी औरतों के साथ साथ उसकी माँ को भी जर्मन्स ने मार डाला है। अगले दिन लियामा घर की साफ सफाई करते करते बहुत ही अच्छा गाना गा रही थी। वो मैक्स को उसके साथ डांस करने को कहती है, और तभी वहाँ एक जर्मन ऑफिसर आ जाता है जिसे देख मैक्स अंदर छिप जाता है। उस ऑफिसर को जब पता लगता है कि लियामा घर पर अकेली है, वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। मैक्स छिप कर सब देख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती उस दुष्ट जर्मन को रोकने की। उसके जाने के बाद मैक्स लियामा के पास आता है जिसकी हालत काफी खराब थी। वो महज 14 साल की है। वो मैक्स से नाराज है कि उसने उस ऑफिसर को रोकने की कोशिश नहीं की। वो मैक्स से नफरत करने लगती है। रात में जब विंसेंस घर आता है, उसे पता चलता है कि लियामा ने सुबह से खाना नहीं खाया है, और जब वो लियामा के कमरे में जाता है वो रो रही थी। विंसेंस को लगता है कि शायद मैक्स ने उसके साथ कुछ गलत किया है। गुस्से में लियामा मैक्स को घर से निकालने को कहती है, और वो उसे एक बोरे में डालकर जंगल में छोड़ आते हैं। कहानी कई साल आगे जाती है। साल है 1944। रेड आर्मी मतलब रशियन मिलिट्री की वजह से लिथुआनिया अब सोवियत रिपब्लिक बन गया है, मतलब अब लिथुआनिया के लोग जर्मन्स के गुलाम नहीं रहे। मैक्स फिर से वापस आता है। उसे रशियन आर्मी से कोई खतरा नहीं था। वो उस जगह जाता है जहां उसने आखिरी बार अपनी माँ को देखा था। उसे पता है कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है।
रशियन आर्मी उन अनाथ बच्चों को एक शिविर कैंप ले जाती है। मैक्स अपने वॉइस ओवर से बताता है कि सोवियत रशिया इस तरह उसका होमलैंड बन गया। उन्हें रशिया के अनाथ आश्रम में रखा गया था। वो वापस सिर्फ लियामा के लिए आया है, जो अब एक प्रोस्टिट्यूट बन गई है। वो रशियन ऑफिसर्स के साथ सोकर अपना गुजारा चलाती है। बचपन की उस घटना का लियामा पर बहुत गहरा असर पड़ा था। मैक्स लियामा से मिलने के बाद विंसेंस के पास आता है। विंसेंस बताता है कि उसने मैक्स का घर मिलिट्री को दे दिया था और लियामा उसके साथ नहीं रहती, वो उसे नफरत करती है। विंसेंस मैक्स से कहता है कि वो सबको ये पता है कि उसने मैक्स को जर्मन से बचाया था। उसके बाद मैक्स लियामा से मिलने आता है, जो लोगों के कपड़े धोने का काम करती है। उसे इस तरह मेहनत करता देख मैक्स को काफी दुख होता है और वो उसे उस रेस्टोरेंट में गाना गाने का ऑफर देता है जिसमें वो काम करता है। लियामा को लगता है कि मैक्स उसकी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसके साथ सोना चाहता है। मैक्स उससे माफी मांगता है कि वो उसे उस दिन बचा नहीं पाया, लेकिन लियामा उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियामा उस रेस्टोरेंट के ओनर से मिलने आई है। लियामा को वहाँ गाना गाने की जॉब मिल जाती है। उसी रेस्टोरेंट में मेजर सरगेई भी मौजूद था। लियामा मैक्स को बाहर बुलाती है। वो उसे एक लिथुआनिया फैमिली की मदद करने को कहती है जिन्हें साइबेरिया डिपोर्ट किया जा रहा था। वो चाहती कि मैक्स मेजर सरगेई से उस फैमिली के बारे में बात करे। लियामा को लगता है कि मेजर मैक्स को पसंद करता है। मैक्स को लियामा की ये बात समझ नहीं आती, जिस पर लियामा उसे ताना मारते हुए कहती कि शायद मैक्स को उन लिथुआनिया लोगों की परवाह नहीं है जिन्हें साइबेरिया भेजा जा रहा है। तभी वहाँ दो आदमी आते हैं और रशियन मिलिट्री के दो ऑफिसर्स को मार डालते हैं। वो असल में मेजर सरगेई को मारने के प्लान से वहाँ आए थे। मैक्स उनमें से एक आदमी का सर फोड़ डालता है। तब तक वहाँ जोनास और सरगेई भी आ गए थे। अगले दिन मेजर मैक्स के पास आता है और मैक्स को उसके लिए काम करने को कहता है क्योंकि उसने मेजर की जान बचाई थी। वो एक कोलमैन की बात करता है जो जर्मन्स के लिए काम किया करता था और वो कोलमैन और कोई नहीं विंसेंस है और वो पहले एक पुलिस वाला था। मेजर बताता है कि लड़ाई के समय उस कोलमैन ने कई ज्यूइश लोगों को मार डाला था और वो अभी भी सोवियत स्टेट के खिलाफ अपना काम कर रहा है। मैक्स कहता है कि इसमें वो क्या कर सकता है, जिस पर मेजर कहता है कि तुम यहाँ इस वैश्या बोले तो लियामा को एंटरटेन कर रहे हो जबकि बाहर तुम्हारी माँ का कातिल आराम से घूम रहा है। यहाँ मैक्स को पता नहीं है कि मेजर विंसेंस की बात कर रहा है और वो ही मैक्स की माँ का कातिल है। फाइनली मैक्स रशियन मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है और वो उस कोलमैन को पकड़ने के काम में लग जाते हैं। एक अस्तबल में छानबीन के दौरान मैक्स और जोनास पर बैंडिट्स द्वारा हमला किया जाता है। ये वही लोग थे जिन्हें यूएसएसआर ढूंढ रही है और जिन्होंने युद्ध के समय जर्मन्स का साथ दिया था। उस अस्तबल से उन्हें यूएसएसआर के दो सैनिकों की लाश मिलती है जिन्हें देख मेजर को काफी दुख होता है। जोनास लियामा को अपने साथ इंटीमेट होने को कहता है, जिस पर मैक्स भी मना करता है और जबरदस्ती लियामा को किस कर लेता है, जिस पर लियामा उस पर गुस्सा करती है। मैक्स बताता है कि जिस नाजी ऑफिसर ने लियामा का रेप किया था, मैक्स उसके पीछे गया था और उस ऑफिसर को उसने मार डाला था, लेकिन लियामा को ये दुख है कि मैक्स ने उसका रेप होने दिया। मैक्स फिर से लियामा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन लियामा उसे झिड़क देती है। उधर मेजर विंसेंस के बारे में मैक्स से पूछताछ कर रहा है। मैक्स बताता है कि जर्मन्स ने उस समय लुथियाना लोगों को ज्यूइश के घर रहने को दिए थे। विंसेंस जो भगोड़ा घोषित किया गया है उसकी वजह से उसकी बेटी को पुलिस ढूंढ रही है और वो लियामा को अरेस्ट करने वाले हैं। उधर लियामा रेस्टोरेंट से खाने पीने की चीजें चुरा रही थी। मैक्स उसका पीछा करता है और हमें पता चलता है कि लियामा प्रेग्नेंट है और अबॉर्शन करवाने के लिए उसे पैसे चाहिए। मैक्स उससे कहता है कि लियामा घर नहीं जा सकती क्योंकि उसके पापा वांटेड है। मैक्स लियामा का अबॉर्शन करवाने मिडवाइफ के पास लाता है। अबॉर्शन के बाद लियामा मैक्स से घर आ जाती है। उसे काफी तेज बुखार था। लियामा मैक्स को से शादी करने को कहती है। वो बस मैक्स का नाम चाहती है। अगले दिन मैक्स और लियामा की शादी हो जाती है। मेजर मैक्स की शादी में बिना इनविटेशन के पहुंच जाता है और लियामा के साथ बदतमीजी करता है। मेजर जानते हैं कि लियामा ने खुद को बचाने के लिए मैक्स से शादी की है। मैक्स और मेजर के बीच लियामा को लेकर अनबन हो जाती है। शादी की पहली रात लियामा मैक्स के साथ सोने से मना कर देती है, जिस पर मैक्स उससे पूछता है कि वो उसके साथ इंटीमेट क्यों नहीं हो सकती, बाकी वो पूरे लुथियाना के लोगों के साथ सो चुकी है। जिसके बाद मैक्स लियामा के साथ जबरदस्ती करता है। लियामा कहती है ये सब करने से मैक्स के लिए उसकी नफरत कम नहीं होने वाली। सपने में मैक्स को लियामा दिखती है जो उसे कायर कहकर बुलाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स और जोनास एक आर्मी से उन्हें बैंडिट्स के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वो कुछ बैंडिट्स को मार डालते हैं, लेकिन मैक्स को ये सब गलत लगता है क्योंकि विंसेंस जो कि एक लुथियाना था उसने जर्मन से मैक्स को बचाया था। लियामा मैक्स को बताती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बच्चा मैक्स का नहीं है। मैक्स कहता है कि ये बच्चा उसी का है। लियामा अबॉर्शन करवाने की बात करती है। मैक्स उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसे ये बच्चा चाहिए था। उधर जोनास से मैक्स को पता चलता है कि विंसेंस ने ही मैक्स की माँ के साथ साथ बाकी ज्यूइश औरतों को बीच सड़क पर वस्त्रहीन करके मार डाला था।
और उनके कपड़े और बाकी सामान अपने पास रख लिए थे। जैसा कि हमें पता है कि उस समय विंसेस जर्मन्स के लिए काम किया करता था और ये बैंडिट्स कोलमैन के लिए यानी कि विंसेस के लिए काम करते हैं। जोनास और मैक्स यूएसएसआर से रिजाइन करना चाहते हैं क्योंकि वो सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है। उन्हें लगता है कि रशियन सरकार लिथुआनिया लोगों के साथ गलत कर रही है। मैक्स लियामा को उसके पापा की हरकतों के बारे में बताता है, जिस पर लियामा कहती है कि उसे शक था कि उसके पापा कुछ गलत काम करते हैं। जब वो घर पर चीजें, ज्वेलरी और ड्रेसेस लेकर आते थे, लियामा मगाधन रिपोर्ट होने से पहले अपना अबॉर्शन करवाना चाहती है। मगाधन रशिया में ही एक छोटा सा टाउन है जहाँ उन लोगों को भेजा जा रहा है जिन्होंने जर्मन्स का साथ दिया था। मैक्स कहता है कि लियामा को कोई छू भी नहीं सकता। मैक्स अब उस बच्चे को भी नहीं चाहता जो लियामा के पेट में है। लियामा अपना अबॉर्शन करवाने जाती है लेकिन फिर अपना मन बदल लेती है और मैक्स के पास आकर उससे चिपक जाती है। हम देखते हैं कि मैक्स और लियामा एक बच्चे के पेरेंट्स बन चुके हैं। मेजर, जिसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, मैक्स के पास आता है और उसे साथ में ड्रिंक करने को कहता है। मैक्स मेजर से माफी मांगता है कि उसकी वजह से मेजर को रिजाइन करना पड़ा। मेजर मैक्स से कहता है कि मैक्स ने हमेशा उसे गलत समझा। उधर विंसेस लियामा के पास आता है, वो पुलिस से छिप रहा था, वो काफी बीमार है। मैक्स जब घर आता है, विंसेस को देख वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। विंसेस मैक्स से कहता है कि जब वो ज्यूइश लोगों को कोयला बेचने का काम करता था, वो सोचता था कि ज्यूइश उससे ज्यादा अमीर कैसे हैं। विंसेस मैक्स से कहता है कि जब वो ज्यूइश लोगों को कोयला बेचने का काम करता था, वो सोचता था कि ज्यूइश उससे ज्यादा अमीर कैसे हैं। वो दिन भर इतनी मेहनत करता है लेकिन फिर भी इतना गरीब है, और ज्यूइश लोगों से नफरत करने का उसका यही एक कारण था। और युद्ध के बाद जब रशियंस का लिथुआनिया में कब्जा हो गया, सारे ज्यूइश रशियन के साथ हो गए। विंसेस मानता है कि उसने कई गलत काम किए हैं लेकिन ये उसका बदला था ज्यूइश लोगों से। मैक्स विंसेस का गला पकड़ लेता है। उधर हम लियामा को देखते हैं जो परफॉर्म कर रही है। मैक्स लियामा के पास आता है और विंसेस के बारे में बात करता है। लियामा बताती है कि उसके पापा बीमार हैं और अगर मैक्स ने उन्हें घर से निकाला तो वो भी अपने पापा के साथ घर से चली जाएगी। उधर घर पर रशियन ऑफिसर्स विंसेस को अरेस्ट करने आ जाते हैं। विंसेस खुद को गोली मार कर सुसाइड कर लेता है। जोनास मैक्स से लियामा के बारे में बात कर रहा है। मैक्स जोनास से उसकी मदद करने को कहता है क्योंकि लियामा को मगाधन भेजा जा रहा है। जोनास बताता है कि वो लियामा की कोई मदद नहीं कर सकता, उसे विंसेस के बदले डिपोर्ट किया जा रहा था। फिर हम मैक्स को रेलवे स्टेशन में देखते हैं जहाँ लियामा को डिपोर्ट किया जा रहा है। लियामा मैक्स से कहती कि जब उसकी बेटी बड़ी हो जाए तो मैक्स उसको लियामा के बारे में बताए, और फिर वो ट्रेन में चढ़ जाती है। मैक्स उस ट्रेन का पीछा करता है, तब कुछ बैंडिट्स आकर मैक्स को मार डालते हैं। उन्होंने विंसेस और लिथुआनिया लोगों की मौत का बदला मैक्स से लिया था। लास्ट में हम मेजर को मैक्स की बेटी के साथ समुद्र किनारे देखते हैं। मेजर ने मैक्स और लियामा की बेटी को अडॉप्ट कर लिया था। वो माउथ ऑर्गन बजा रही है। मेजर उसे कहता है कि जब उसकी माँ वापस आएगी तो ये ट्यून वो अपनी माँ के लिए बजाए। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।